अमृतसर के सिविल अस्पताल दे विच अज छेवें पे कमीशन दे विच त्रुटियां नूं लै के जिहड़े डॉक्टर ने वह अज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नाल ही NPA की बहाली नूं लै के भी डॉक्टरों वालों प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जिहड़े प्रदर्शन छेवें पे कमीशन के खिलाफ पिछले कई दिनों दे विच चल रहे हैं। अमृतसर के सिविल अस्पताल दे विच कच्चे मुलाजम जिहड़े ने उन्हां नूं पक्के करन दी मंग नूं लै के इस जगह पर प्रदर्शन जा रहे हैं। तुसीं देख सकते हो कि कालियां पट्टियां बन के डॉक्टर ने जिहड़े वह प्रदर्शन कर रहे हैं। इस करके अज सिविल अस्पताल दे विच PCMS एसोसीएशन वालों पूरे पंजाब के सरकारी अस्पतालों के छेवें पे कमीशन दीयां त्रुटियां के खिलाफ प्रदर्शन जारी हैं। अज OPD OT समेत सारिया डॉक्टरी सेवावां बंद रखी गई हैं। सिर्फ जिहड़ी एमरजेंसी सेवावां ने उन्हां नूं बहाल रखा गया है। तो वख-वख जथेबंदियां जिहड़ियां नाल ने वह भी इस प्रदर्शन के शामिल ने। जॉइंट पंजाब गौरमेंट डॉक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई है। तुसीं देख सकते हो कि जिहड़े प्रदर्शन ने इत्थे कीते जा रहे हैं। ता कि छेवें पे कमीशन की जेकर गल की जाए तो पिछले दिनों के जिहड़े डॉक्टर ने लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जथेबंदियों के नाल भी इस जगह जिहड़ा प्रदर्शन गलबात जिहड़ी आ करांगे सारे आगुआं दे नाल। तां जिहड़े डॉक्टर साहिबान ने गलबात करांगे इन्हां दे नाल कि सर की नाम है? डॉक्टर मदन मोहन साहब। नीचे आ जाओ। की मंगा की है तुहाडियां? अज क्यों प्रदर्शन जिहड़ा कीता जा रहा है? जी साडियां मंगां ने जी कि जिहड़ा साडा NPA पे कमीशन ने 25 to 20 कीता है और उन्होंने भी डीलिंग कर दिता है, प्लस जिहड़े कच्चे मुलाजम से उन्होंने पक्के नहीं किया, जिहड़े साडे अदर लाउंसर से हाउस रेंट से एन अपने RA से अकैडमिक लाउंस से जां तो घटाते जां बंद कर दिते गए ने, तां जिहड़ा इह मजारा किया जा रहा। NPA की जी NPA की मांग लैके जो छेवें पे कमीशन के भी कोई त्रुटियां उन्होंने भी लैके प्रदर्शन कर रहे? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी। जो जिन्नी भी त्रुटियां है जिन्हिया भी मंगा है ने जिड़िया ठेकेदार सिस्टम हैगी है खत्म करने वास्ते जो अलाउंस अपने बंद किए हैं ज घटाए ने उन्होंने बहाल करने वास्ते जो है ये कर रहे हैं। कितना कि प्राइवेटाइजेशन वाल बढ़ रहे हैं जिहड़ियां सेहत सेवावां पंजाब सरकार बिल्कुल हो सकता है जी कि अपने जो इस तरह करन कि जिहड़े सरकारी डॉक्टर ने वो छड्ड देण ते अपने जिहड़ा हैगा निजीकरण जिहड़ा कीता जा सके। जिहड़े कोरोना के समय डॉक्टर साहब डॉक्टर जिहड़े ने मेडिकल अमले ने जिहड़े सेहत विभाग के अमले बहुत काम किया ते तुहानू तुहाडी गल सुननी नहीं चाहिए तुहानू लगता कि तुहाडे नाल धक्का सर? बिल्कुल जी ये अपने जिहड़ा हैगा सानू जिहड़ा असीं कोरोना च काम किया दिन रात काम किया उहदे बदले सानू कोई अपने स्पैशल पैकेज देने की बजाय जिहड़ा साडा अग्नि तनखा हैगी सी वो भी घटा दी गई है और धक्का ही किया जा रहा जी। जथेबंदियां भी तुहाडे नाल आईयां ने? सारियां जी नाल तुहाडे सामने खड़ियां होईयां जी। अपने डेंटल एसोसीएशन है, इंपलाइज एसोसीएशन है, आयुर्वेदिक मेडिकल एसोसीएशन है, गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल टीचर एसोसीएशन है, होम्योपैथिक एसोसीएशन है, सारी एसोसीएशन एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है जी। सारियां साडे नाल इकट्ठे ही अपने दा प्रदर्शन कर रहियां ने जी। सब जिहड़ियां अज मरीजां नूं खजल खुआरी हो रही है इस बारे की कहना चाहुंदे? सर असीं जिहड़ियां एमरजेंसी सेवावां हैगियां ने वो जारी रखी हुई ने। जिहड़ा पेशेंट अपने जिहनूं कोई तकलीफ हैगी है उहनूं असीं अपनी एमरजेंसी दे विच उहनूं सेवावां दे रहे हां। ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ NPA ਵੇਖੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, NPA ਕੱਟਤਾ ਵਾ, ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਕੱਟਤਾ ਵਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੁੱਬ ਕਰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਮਤਲਬ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚਲੇ ਗਈ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਅੱਜ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਅਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ? ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰਤੀਆਂ, NPA ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਅਵਾਰਡ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਯਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਗੇ, AC 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, AC ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ?
रिवार्ड मिल गया सानू, आ वेखो मिल गया सानू सारा कुछ। इस पासे तुसी देख सकते हो लगातार जिहड़ी नारेबाजी जिहड़ी आ कीती जा रही है, पुतला जिहड़ा मनप्रीत बादल दा जिहड़ा इस पासे तुसी देख सकते हो लिआंदा गया है, तां इहदा पुतला जिहड़ा ਉਹ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਛੇਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਵੀ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੈਂਟਲ ਨੇ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੇ, ਵੈਟਨਰੀ ਨੇ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਛੇਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਮੀਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐੱਨ ਪੀ ਹੈ 25-20% ਘਟਾ ਕੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਤੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਕਦਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਲੀ ਬੂੰਬੀ ਗੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਵੇਖੋ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੱਗੇ, ਦੂਜੀ 22 ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਲਾਉਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ NPA ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਰਸਿੰਗ ਅਲਾਉਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਪਲਾਈਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੀ। 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ, ਰੈਗੂਲਰ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਬਦਲ ਲਈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ,
सारे कट्ठे होके लड़न दे, उन्होंने वख वख नहीं लड़न दिया कोई। की कहना चाहते सारे सेवा पे कमीशन जो लागू है सारिया मुलाजम जथेबंदियां सड़कों से आ गई कि सरकार ने जो पिछले भी पे कमीशन लागू होंदे रहे इस इन त्रुटियां पहला फायदा देंदे रहे इन्होंने अलाउंस कढ़ाते कई बंद करते कई कढ़ाते नर्सिंग का ग्रेड पे 3600 तो 3200 करता वादा तो सुनिया ही 3600 तो 4200 करते 4600 करते सानू खुशी होनी ही इतने कोई पक्या पोस्टा नहीं सिविल हस्पताल के अही कहने भी इतने क्रिएट करो वो भी नहीं क्रिएट करते पक्या पोस्टा नहीं क्रिएट करते इस करके सू मजबूर हो गए सारा काम करना पै रहा जी। जी तो होर भी असं गलबात करते की नाम है मेरा नाम डॉक्टर तरनदीप कौर है। डॉक्टर साहब तुसी की कहना चाहते हो आज तुसी क्या कोरोना वायरस फील चीटेड तो तुम्हें लगता है कि सचमुच ही तुहाडे कोरोना काल के समय के विच कोरोना वारियर का अपमान है उन्होंने स्पेशल अलाउंस देने की बजाय उन्होंने जेडे अपने खुद के उन्होंने जेडे हक बनते हैं उन्होंने अलाउंसिस घटा के यह एक कोरोना वारियर का अपमान है यह उन्होंने रूह न ठंड पाने की बजाय उन्होंने तंग करने का एक तरीका तो जरिया है यह गल बिल्कुल गलत है इसलिए असी नारे ला रहे हैं कि पंजाब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो तुम जो सेवा पे कमीशन जो लागू होया कि इस मुलाजमत का नुकसान होया खास करके हाँ जी यह नुकसान है कोरोना काल के समय के चलते आया सानू स्पेशल अलाउंस मिलना चाहिए सी साड़ियां सेवावां नू सानू एप्रीशिएट करना चाहिए सी पर ना एप्रीशिएशन ना करते हुए साडू ना तो इस तरह सम्मान देने की बजाय साडा यह अपमान है यह कोरोना वारियर का अपमान है। की नाम है जी? मैं डॉक्टर रितिका हाँ जी। डॉक्टर साहब तुसी की कहना चाहते हो? सर ये छेवां पे कमीशन लगा के इन्होंने साडे कोरोना वारियर्स का अपमान किया है असी दिन रात सेवावां दे रहे सी डेढ़ साल तो दे रहे हैं जदों का कोरोना काल शुरू होया पर उहदा बजाए कि तनखा वधान दे या स्पेशल अलाउंस देन दे इन्होंने साडियां तनखावां घटा दित्तियां ने ते इसलिए ये पंजाब सरकार मुर्दाबाद। तां इस पासे सारे मुलाजम जिहड़े ने खास करके डॉक्टर ने नाल ही जॉइंट फ्रंट बना लिया गया है मुलाजमान वालों उन्होंने वालों भी जो प्रोटेस्ट किया जा रहा पंजाब स्टेट वैटरनरी ऑफिसर एसोसीएशन वालों भी इस धरने के जी इस प्रदर्शन शमूलियत की जा रही है। सर की नाम है जी? मेरा नाम डॉक्टर हरमनप्रीत सिंह। डॉक्टर साहब हरमन जी तुम की कहना चाहते तुम भी डॉक्टर ने प्रोटेस्ट शामिल हो जी सारिया मुलाजम जथेबंदियां हम एक फ्रंट बना के सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। असी 4.5 साल तो वेट कर रहे थे सरकार के पे कमीशन की रिपोर्ट दे जो इन्होंने रिपोर्ट दी है तो वो चवानिया धेलियां बचाने के चक्कर डॉक्टर के एन पी ए जो चीज़ों नू कर रहे ने सारे का नुकसान कर दिता पर जदों के पिछले सरकार जो आई थी इन्होंने कहा असी इन सरप्लस स्टेट कर देवे ये कुछ बचाने की बजाय अज भी खजाना मंत्री खाली 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 का ही नारा ला रहा तो इस बार एन पी ए जो कट लाया कि जी सरकार असी पिछले समय के करोना वारियर होकर असी सारे काम बहाल किए ने असी वैटनरी एसोसीएशन ने भी जिदा दुध दही सब लोगों जोड़ा सी असी उन्होंने मेनटेन करते हुए काम किए ने पर अज जो सरकार की वारी आई कि सानू इनाम देने की बजाय इन्होंने एन पी ए साढ़े को खो लिया डी लिंक कर दिता तो 25% तो 20% कर दिता इसकी असी निखेधी करते हैं तो जॉइंट फ्रंट के फैसले अनुसार हुण आने वाले समय के असी इस संघर्ष को होर भी तिखा करके जिहड़ियां एमरजेंसी सेवावां इस वेले चल रही ने वह भी बंद कर देवांगे तो कोविड की टैसटिंग तो होर सारे काम भी बंद करांगे जेकर साडे जॉइंट फ्रंट ने फैसला लिया। तो सर तुहानू की लगता सरकार एक कदम क्यों चुक रही है क्यों मुलाजमान ने जिहा तक सरकार अगे तो कैप्टन साहब साढ़े नाल गल करते जो कोविड वारियर की गल हुंदी सी हुण वह आप पता नहीं कित्थे लुके बैठे ने सारे दे सारे समय दौरान किसी के नाल कोई गलबात नहीं जो पे कमीशन की रिपोर्ट आई अज तक एक बार भी इन्होंने पूछण की कोशिश नहीं की ज दसण की कोशिश नहीं की कि असं आह क्यों कर रहे हैं ये सानू आप नहीं समझ जो सानू समझ आती तो असं ये नारेबाजियां जो प्राइवेटाइजेशन वाले पास भी कदम जोड़े ने डॉक्टरों ने जो इल्जाम ने कि वध रहे हैं हो सकता सर एक प्राइवेटाइजेशन वाली है जो तुम सरकारी जोड़े मुलाजम ने उन्होंने पत्ते बंद कर दोगे तो अल्टीमेटली तो ब्रेन ड्रेन जो बाहरले देशों भी लोग जा रहे हैं तो प्राइवेट सैक्टर वाल भी जाएंगे। धनबाद जी तो इस पास तुम देख सकते हो अमृतसर के सिविल हॉस्पिटल के बाहर जिहड़ियां जथेबंदियां ने वित्त मंत्री मनप्रीत बादल उन्हों का पुतला साड़न का जोड़ा इतने प्रोग्राम दिता गया यदा पुतला साड़िया जाएगा एन पी ए बहाल कर मंगा लैके मुलाजम जथेबंदियां जड़िया ने प्रोटेस्ट कर रही ने इस पास वित्त मंत्री मनप्रीत बादल जो पुतला है वह जड़े ने साड़ रहे हैं मुलाजम जथेबंदियां का कहना है कि उन्होंने भी किसानों वाल देखते हुए इस जगह के उत्ते असी सांझा फॉर्म बना लिया है तो हम जो प्रोटेस्ट ने लगातार जारी रहेंगे उन्होंने मुलाजम जथेबंदियों का कहना है कि फिलहाल उन्होंने एमरजेंसी सेवावान जीडिया ने बहाल रखी हुई ने पर अगले समय के एमरजेंसी सेवावान ने वो भी रोक दिखाई जाएगी करोना की टैसटिंग भी जी रोक दी जाएगी ये साफ चेतावनी दी है तो वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की जी
मनप्रीत बादल का जो पुतला साड़िया जा रहा है, कुछ समय बाद साड़िया जाएगा तो लगातार जोड़ा प्रदर्शन इतने जारी है। कैमरा परसन सिकंदर के नाल गगनदीप शर्मा अमृतसर। अमृतसर के अज मुलाजम जथेबंदियों वालों अमृतसर के सिविल हस्पताल के बाहर जो पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल का पुतला साड़िया जा रहा है, PCMA एसोसीएशन जो डॉक्टर की एसोसीएशन है उन्होंने वालों छेवें वित्त कमिशन दे विच जो त्रुटियां ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा। नाल ही जड़ा NPA है जड़ा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जड़ा उसनू लागू जड़ा किया डीलिंक कर दिता गया उसके खिलाफ जो प्रदर्शन जारी किया गया प्रदर्शन किया जा रहा 25% तो घटा के 20% जो NPA है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो उसनू कर दिता गया है। नाल ही इसनों सैलरी के डीलिंग करने जो डॉक्टर ने इन्हों का कहना है कि साढ़ा 15 to 20,000 रुपया एक मुलाजम का जोड़ा नुकसान होएगा। डॉक्टर के इस गल भी लैके रोस है कि करोना जोड़ा पिछला साल से करोना काल के दौरान डॉक्टर ने अगे आ के काम किया, मेहनत नाल काम किया, जोड़े फ्रंट वारीयर से वह बन के काम किया, पर सरकार ने उन्होंने एप्रीशिएट करने की बजाय उन्होंने नाल धक्का किया है। उसदा जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए सी जबकि उन्होंने शरेआम उन्होंने सैलरी कटा के उन्होंने जोड़े हित ने उन्होंने नुकसान किया है। तो इस लैके PCMA डॉक्टर एसोसीएशन तो अलावा जिहड़ियां होर मुलाजम जथेबंदियां ने भरातरी जथेबंदियां भावें वैटरनरी एसोसीएशन होवे जां होर भी एसोसीएशन ने वह इस समर्थन दे रही ने। तो अमृतसर के सिविल हस्पताल के डॉक्टर ने अज मैडिकल सेवावां जिहड़ियां ने वह बंद कीतियां ने, सिर्फ एमरजेंसी सेवावां चालू ने। तो डॉक्टर का कहना है कि जेकर साडियां मंगां ना मनिया गई तो अगले दिनों एमरजेंसी सेवावां भी जिहड़ियां बंद कर दी जाएंगी, करोना की टैसटिंग वैक्सीनेशन का काम भी बंद कर दिया जाएगा। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर का पुतला जलाया जा रहा है और भी हमारे साथ जो एसोसिएशन के नुमाइंदे, सर क्या नाम है? राजेश शर्मा। राजेश जी, आपके द्वारा जो प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? सभी मुलाजम प्रोटेस्ट कर रहे छड़े पे कमीशन जब से लागू हुआ है। सर जो अपना वित्त कमीशन होता है ना, ये पंजाब ने वित्त कमीशन नहीं अहित कमीशन पेश किया, ये हमारे जो मुलाजमों का ये हित मार रहा है। तो जब किसी का हित मारेगा नेचुरली जो आम जो पब्लिक है या जो मुलाजम है वो प्रोटेस्ट तो करेंगे ही ना। कोविड के समय में तो डॉक्टरों ने आगे आकर बहुत जो सेवा निभाए तो उसको आपको आप जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए था। जो हमने जो वो फ्रंट पे आके काम किया उसका हमें ये गैलेंट्री अवार्ड मिला है, भी हमारी जो सैलरी कम कर दी है। तो कितना नुकसान एक मुलाजम को एक डॉक्टर को होगा जी? सर देखो, अगर आप NPA की भी बात करो तो इसमें पर डॉक्टर को 15-20,000 रुपए का नुकसान होगा। तो ये ऐसा पहला कमीशन है जिसमें जो सैलरी कम हो रही है, और हमारे अगर अपने पर्सनल अपने कैडर की बात करूं जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन है वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हुआ है इस पेंडेमिक में। पेंडेमिक बहुत सैंपलिंग से ट्रांसपोर्टेशन तक लगे रहे और हमारी सैलरी पे सबसे ज्यादा ने कट लगा दिया। सैलरी पर कट लगाया 15-20,000 रुपए का जो कट है वो लगाया जा रहा है, इसी कारण डॉक्टरों में जो रोष है। इसके अलावा अन्य जो मुलाजम जथेबंदियां मुलाजम संगठन है वो भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और अमृतसर के सिविल अस्पताल में पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल का पुतला जलाया गया है। कैमरा पर्सन सिकंदर के साथ गगनदीप शर्मा, ABP न्यूज अमृतसर। अमृतसर के सिविल अस्पताल के डॉक्टर वालों PCMS एसोसीएशन वालों जो हड़ताल की गई थी उसके नाल OPD जी सी उसनू बंद कर दिता गया सी, सिर्फ मेडिकल दी जी एमरजेंसी सेवावां ने उन्होंने ही बहाल रखा है। तो लोग जिहड़े ने बिना मैड जी मेडिसिन लिया बिना ट्रीटमेंट चेक कराया वापस जा रहे हैं। तो अमृतसर के सिविल हस्पताल जिहड़ा काफ़ी वड्डा हस्पताल है, तकरीबन 100 के करीब इतने OPD जी रोजाना होंगी है। तो हालांकि एमरजेंसी सेवावां देने के लिए स्टाफ जिहड़ा सी वह मौजूद है, लोग जिहड़े ने इतने दवाई लैन आए गलबात करते। सर की नाम है जी? सर सरजीत सिंह। सर तुसी किसी दवाई लैन आए सी? सर इन्हें घर दी लैन आए वाइफ की दवाई, 3-4 दिन तो हो गए गेड़े वजह से कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, कोई मेडिसिन नहीं मिलती। की कह रहे हैं जी? हाँ जी, कहते डॉक्टर की हड़ताल है, तनखाह बारे कुछ कह दें ही, सरकार इन्हों की सुननी चाहिए, तनखाह की जो भी प्रॉब्लम इन्हें कड़े, क्योंकि आम जनता परेशान होती है, इन्हें हल करो, क्योंकि आम जनता भी फिर सही हो जाऊगी जो भी हल। बच्चे लैके आना इस तरह मुश्किल है? हाँ जी, इतने मुश्किल 4-5 दिन तो गेड़े बजते, रोज़ बच्चे लेके आते हैं, कोई टैस्ट नहीं आते, कोई डॉक्टर नहीं बहते, कोई मिल नहीं दिया कुछ। बहुत सारे लोग जो निर्भर ने सरकारी अस्पताल। हाँ जी सर, की नाम है जी थोड़ा? तुम दस की नाम है जी? परेशानी जरूर हो रही है, क्योंकि छेवें पे कमीशन
ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਇੱਥੇ ਓ ਪੀ ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਪਸ ਲੋਕ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਏ ਬੀ ਪੀ ਸਾਂਝਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਮਾਲੂਵਾਲ। ਮਾਲੂਵਾਲ ਖਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟੀਚੇ ਭਗਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਾਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ? ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮਿਲ ਗਈ ਦਵਾਈ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਲਾਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ 150 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਆਏ, ਮਾਤੜ ਹੈ ਗਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਬਦਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਆਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਆਇਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ? ਅਸੀਂ ਗਲਵਾਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ। ਕਾਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ। ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਦਵਾਈ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੜਤਾਲ ਹੈਗੀ ਅੱਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੜਤਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੰਗਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ।